हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं क्राफ्टर दी का ये वाला बैग। क्राफ्टर दीदी ने इसको बहुत ही इजीली बना दिया, लेकिन क्या मेरे से बन पाएगा, मैं बना पाऊँ, ये है सवाल। तो चलो इसका फास्ट से रिव्यू ले लेते हैं। वीडियो देखते देखते बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की जो कि मेरे पास नहीं है। जी हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसमें से। सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए एक बॉक्स, प्लास्टिक स्प्रे, स्टोन, कार्डबोर्ड, हम लोगों को ग्लिटर चाहिए, फिर राइनस्टोन चेन चाहिए और कुछ आई पेन, लास्ट में चेन, और इसको अटैच कर देना। ओके डन। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलो इसको रिक्रिएट करते हैं। हाँ, वीडियो को भी लाइक करना जरूरी है क्योंकि हमने देखी है ना सारी की सारी। चलो इसको रिक्रिएट करते हैं। असल मसला तो यहाँ पर स्टार्ट होता है ना। मेरे पास ये वाला बॉक्स है और ना तो ये वाले स्टोन, लेकिन हम फिर भी इसको बना के रहेंगे, चाहे आज जो भी हो जाए हम बना के रहेंगे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक मेडिसिन बॉक्स है। इस डब्बे के अलावा मुझे मेरे पूरे घर में कोई डब्बा खाली नजर नहीं आया। सर मैंने कहा चलो मैं तो डब्बा चाहिए, जैसा मर्जी हो, डेकोरेट तो हमने खुद करना है ना। नेक्स्ट इसके ऊपर हम लोगों ने कार्डबोर्ड का साइज ले लिया इसके इक्वल, ताकि ये इक्वल लगे, प्लेन लगे, क्योंकि ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा अनबैलेंस है। तो इसको चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 260 ग्लू। आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर गत्ता अटैच कर देंगे रोल करके, जैसे कि हमने इसकी मेजरमेंट ली थी। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल लेना है, ताकि इसकी लाइन जो है हम लोगों ने कट वाली वो बाहर की तरफ ना निकले, वहां से अलग से मोटा मोटा ना लगे। अब बारी थी हम लोगों के बैग बनाने की। अब बैग साइड में हम लोगों ने इस तरह का सर्कल लेना है, इक्वली आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है सर्कल, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना बने। इसी तरह हम लोगों ने इसको कट करके इसको अटैच कर देना है। अब मैंने इसके कॉर्नर को सिक्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप का यूज किया है, क्योंकि मेरे पास पेपर टेप थी नहीं, तो मैंने कहा चलो जो मेरे पास है मैं वो वाली लगा रही हूँ। तो आपके पास भी जो हो आप वही वाली लगा। अब बारी है हमारे लिपस्टिक के अपर पोर्शन को बनाने की। इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए एंड देन उसके ऊपर यूं करके कर्व शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लें एंड लाइन को इजीली कट कर लें। कट करने के बाद ये इक्वल शेप में लिपस्टिक का अपर पार्ट बन जाएगा। अब हमने ग्लू लगाकर इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड को अटैच कर देना। इसके मिडल में जो स्पेस बची है इसमें भी ग्लू लगाकर इसके अंदर कोई भी पेपर आपने फिल कर देना है और कार्डबोर्ड से कवर कर देना है। कार्डबोर्ड को कवर करने के बाद इस इक्वली आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसकी इस तरह की शेप आ जाएगी जो कि लिपस्टिक के अपर पोर्शन की होती है। अब इसकी ओपन साइड्स को भी ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर देंगे। अभी तक का प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन था बहुत डिफिकल्ट क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स बहुत ही ज्यादा थी। करते कराते हम लोग यहाँ तक पहुंच चुका है। अब इसकी बारी है इसको डेकोर करने की। तो लेट्स स्टार्ट। तो सोचते हैं इसके ऊपर क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें अंदर वाले पोर्शन को ब्लैक कर लेना। ब्लैक करने के लिए मैंने स्प्रे का यूज किया, इससे बहुत इजीली ब्लैक स्प्रे हो जाती है। एंड नेक्स्ट ऊपर वाले पोर्शन के लिए हमें रेड शीट चाहिए थी, जो कि मैंने ये वाली ली है क्योंकि उन्होंने ऊपर स्प्रिंकल की है ग्लिटर और मेरे पास ग्लिटर शीट है, सो हम इसको यूज करेंगे। नीचे वाले पोर्शन के लिए भी हम लोग ये ब्लैक वाले बीट से यूज कर नहीं सकते, तो हम लोग ब्लैक वाली शीट यूज करेंगे। पहले हम लिपस्टिक के नीचे वाले पोर्शन को डेकोर करेंगे। उसके लिए ब्लैक वाली शीट को इक्वली मेजरमेंट लेके उसको कट कर लेना। कट करने के बाद इसकी शीट उतारने से पहले हम इसके ऊपर हॉट ग्लू गन का यूज करेंगे। ग्लू तो है उसके ऊपर, लेकिन हम लोग पक्का काम करें, पक्का काम के लिए हम लोग को ग्लू तो लगानी पड़ेगी, इसलिए हम ग्लू का यूज करेंगे। बॉक्स के साइड तो हम लोगों ने शीट से कवर कर दी। अब बारी थी नीचे वाले पोर्शन की। नीचे वाले पोर्शन के लिए आपको डायरेक्ट सर्कल नहीं कट करना, आपने उसके ऊपर अटैच करके देन आपने सर्कल कट करना। अब ये एक रिंग कट करनी है, जो कि हमने इसके ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ से इसका डब्बा बंद होता है वहां पर लगाएंगे। अब इसको आपने ऐसे सर्कल इक्वल लेके कट कर लेना है, नीचे वाले एरिया से मेजरमेंट लेके एंड देन इसके अंदर एक होल कर देना है जो कि बिल्कुल इक्वल होगा। एंड देन आप लोगों ने इसको इसके दरमियान में करके ऐसे करके अटैच कर देना है। ये बहुत ही इजीली अटैच हो जाएगा, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नाउ अब हम लोगों की बारी आती है अपर पोर्शन को डेकोरेट करने की। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड। जैसे ये लिपस्टिक बैग अपनी फाइनल लुक की तरफ जा रहा था, मेरा इसको बनाने का दिल और ज्यादा करता जा रहा था कि इसको जल्दी जल्दी बनाऊं और जल्दी जल्दी कैरी करूं। पर मैं ग्लिटर शीट को बहुत ही केयरफुली अप्लाई कर रही हूं, ताकि कहीं से गड़बड़ ना हो और पहली दफा में मेरा बहुत अच्छा बैग बन जाए। आई होप बन जाएगा। एंड ऊपर वाले पोर्शन के मैंने इक्वली इसकी शीट कट करी है, और जैसे मैंने इसके ऊपर वाले पोर्शन की कार्डबोर्ड की मेजरमेंट ली थी, इसकी भी वैसे ही है। एंड लुक एट दिस शाइन, कितना प्यारा लग रहा है, कितना स्पार्कल कर रहा है ना। अब हम लोगों को जरूरत थी इसको हैंग करने की। हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर दो आई पिन अटैच की हैं और मैंने निडल को हॉट करके ड्रॉ कर लिए थे, इजीली हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट लिपस्टिक वाली ऊपर वाले पोर्शन में हम लोगों को कुछ डिटेल्स देनी थी, वो ये वाली ब्लैक वाली पट्टी थी जो कि मैंने बाद में अटैच की। अब हम लोगों ने जो आई पिन अटैच की थी उसके अंदर हम लोगों ने चेन अटैच कर दी। हम लोगों का बन चुका है बैग। कौन सा बैग? लिपस्टिक बैग। लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है ना वैसा ही, वैसा डिटो तो नहीं है लेकिन उसकी तरह का लग रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारे कमेंट कर देंगे नेक्स्ट ये किस चीज का। एंड ओके बाय।